लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई केंद्रीय मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की बेटी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर के साथ ही धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड के रूप में भी काम करते हैं। बेटी को सम्मान मिलने के मौके पर मुकेश अंबानी बेहद खुश नजर आए। जा रहा है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड विनर ईशा अंबानी जी। And I request Isha Ambani ji to please share some pearls of wisdom with us. Meanwhile, I request the dignitaries to kindly take the seats on the dais. This recognition is very special to me because my mother, Srimati Nita Mukesh Ambani, who is my biggest role model and inspiration, won this award in 2016. For our family, Maharashtra is more than just our home. It is our karma bhumi. Today, my father-in-law, Ajay Uncle, and my husband, Anand, are here with us today. Thank you, Ajay Uncle, and thank you, Anand, for always supporting me and for showering me with your affection. My father, Shri Mukesh Ambani, is also here with us today. My parents raised me in a home where we were encouraged to follow my grandfather, Shri Dhirubhai Ambani's words, dare to dream, learn to excel. बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पीएम आवास के मकान कब्जे को लेकर नोटिस जारी हुआ है। धर्म विशेष के शख्स ने इस पर कब्जा कर रखा था और मकान पर कब्जा कर लगातार ये दरबार यहां पर लगा रहा था। 400 अटल आवास पर 125 लोगों का कब्जा भी सामने आया है। आरोपियों को नोटिस दिया गया है। अवैध कब्जा निर्माण पर अब बुलडोजर भी चलेगा। ये बड़ी खबर, न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि कैसे यहां पर एक ढांचा तैयार करके और यहां पर झाड़फूंक का काम किया जा रहा है और ये मकान जो है किसी और के नाम पर अलॉट था और यहां पर कोई और शख्स ही झाड़फूंक का खेल कर रहा था। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इस मामले में एक्शन हुआ है और नोटिस जारी कर दिया गया है आरोपियों को। और केवल इतना ही नहीं, जब पूरी जांच हुई तो पता यह भी चला कि इसमें 400 अटल आवास जो बनाए गए हैं, इनमें 125 लोगों का कब्जा है। यानी कि 125 लोग ऐसे हैं जो अनाधिकृत रूप से यहां पर रह रहे हैं। तो यह बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया और हैरान कर देने वाले इस मामले के बाद, खुलासे के बाद, अब एक्शन लिए जाने की तैयारी हो रही है। तो न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब एक्शन लेने की तैयारी है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। धर्म विशेष के शख्स ने कब्जा कर रखा था मकान पर, मकान जिन्होंने कब्जा कर रखे थे उनको नोटिस जारी हुआ है। जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे उमेश मौर्य, जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, देखिए, जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, उसके बाद इस पूरे मामले को नगर निगम आयुक्त जो है अमित कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जितने भी अटल आवास जो 400 आवास जो बने हुए हैं वहां पर वेरिफिकेशन के लिए टीम भेजी थी, जहां पर उन्होंने नोटिस जारी करते हुए 125 लोगों को नोटिस जारी किया और इसके साथ ही उन्हें जवाब तलब किया है। अगर उचित जवाब या सही जवाब नहीं मिलता है तो उन पर कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। फिलहाल एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि वहां पर अवैध कब्जा करके गुंबद नुमा एक दरबार हमने प्रमुखता से दिखाई थी और इसके बाद अब इस पर एक्शन भी देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका
इस जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।